मन्त्री सिद्धिकुला चौधरीको बाहुलीबाट आज तेस्रो वार्षिक कालेबुङ जिल्ला पुस्तक मेलाको उद्घाटन गरिएको छ। पाँच दिवसीय उक्त मेलामा विधायक रुदेन लेप्चा, जिल्ला अधिकारी आर बिमला, लाइब्रेरी विभागका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर भास्कर मोक्तान, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अफिसर अमृत सुब्बा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरी सर्विसेज एंड मास एजुकेशन इस डिपार्टमेंट की जानिब से हम यहाँ आए हैं। एक बात जो सच्चाई के साथ कहूंगा वो दिल से, मेरी बात समझ रहे हैं आप, ऊपर वाला ने आपके इस इलाका को सुंदर बनाया है, ये ऊपर अलग है बैग और इस सुंदर नेचुरल इलाके में आपको बसने के लिए मौका भी दिया। ये सुंदर इलाका यानी हमारे वहां नहीं है, साउथ बंगाल में नहीं है जो नॉर्थ बंगाल में है, इसलिए मैं दिल से आप लोगों का खुशी और वेलकम करता हूं और आपको दिल के साथ मोहब्बत और सच्चाई के साथ आपकी इज्जत भर देते हैं। ये यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये श्रीमती विमला है जो यहाँ काम संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के असल नोमिनी तो ही है। इसके अलावा हमारा भाई ये रुदेन की सभा एमएलए साहब, इनसे काफी दोस्ती वो हमारा विधानसभा में होती है, तो इनसे हमने कहा 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कालीपुर जाएंगे लेकिन ऊपर वाला मंजूर नहीं किया, इस साल मंजूर किया तो हम जरूर आ गए उनके साथ आपके साथ मिलने के लिए। यहाँ चेयरमैन साहब है रोबी साहब, इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट के डीएलओ डीएमओ और भी डिग्निटी बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। देखिए किताब और बुक ये जिंदगी का सरमाया है, खाना पीना रहना घर ये जैसे जरूरी है तो आदमी को जीने के लिए अच्छी जिंदगी के लिए किताब के सिवा वो जी नहीं सकता, इसलिए किताब की जरूरत है। वेस्ट बंगाल हमारे गवर्नमेंट के जानिब से 2300 लाइब्रेरी हम लोग चला रहे हैं जिसमें 2500 लाइब्रेरी अभी बंद है, बाकी तमाम लाइब्रेरी खुले हैं। 2 करोड़ 60 लाख बुक्स ऑल ओवर स्टेट में हमारे हैं। अभी अम्फान और तूफान में जो गड़बड़ हुआ उसमें 10 लाख बुक्स को नुकसान हुआ है, हमने उसको छांटा है, 50% किताब हमको फिर मिल जाएगी, उसको थोड़ा सा कारीगरी करना पड़ेगा। आपके इस जिला में 17 साल में इस जिला को हमारे ऑनरेबल सीएम ने जन्म दिया है, हमको बहुत खुशी है कि कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट टाउन में आपके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कैबिनेट मीटिंग हो या पार्टी की मीटिंग हो, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई दिन नहीं है जो नॉर्थ बंगाल की बात करती नहीं है, हर वक्त नॉर्थ बंगाल, हर वक्त नॉर्थ, साउथ बंगाल से ज्यादा वो नॉर्थ बंगाल को चॉइस किया है। आपको भी बहुत मोहब्बत से वो आभारी है हमारे सीए, इसलिए यहां भी जो किताब है 87,000
87,000 किताब यहाँ मौजूद है और इस सिलसिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाएं। आपने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अमेरिका ने बताया कि इस दौर के सबसे ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे, जो अमेरिका में भी इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था। सोचिए अब्दुल कलाम साहब कलाम कैसे बने, किताब पढ़कर कलाम बने। बहुत गरीब घराने के लोग थे, उसके अब्बा फजर मस्जिद के इमाम थे। कलाम साहब अपने कंधे पर न्यूज़पेपर लेकर अब्बा को देते थे बेचने के लिए और हर वक्त पढ़ाई करते थे। कलाम साहब की मां रोजाना रात को सबको खिलाती थी, लेकिन दो रोटी सेक करके अलग रख देती थी। क्यों? कि सुबह हम लोग सोते रहेंगे और हमारा कलाम भोर भोर में पढ़ता रहे। ऐसे मां की आज जरूरत है, जो अपने बच्चों को पढ़ाए, तभी हम चैलेंज ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ बैंक साउथ इंडियन किया, पढ़ाई लिखाई किया, IAS पास किया, तो बड़ी जिम्मेदारी वो लोग संभाल रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में 6 IAS अफसर हैं। हम चाहेंगे माँ अगर तैयार हो जाए तो बच्चा भी तैयार जरूर होगा। आपकी माँ ने बच्चे से कहा कि तू शादी नहीं करेगा, नौजवान तो शादी करने के लिए आगे बढ़ता है, वो तो पढ़ाई में अपना जीवन को दे दिया, फिर भी कहा ठीक है माँ आप जब कहती है तो हम शादी करेंगे। लेकिन जिस दिन बहू को देखने की बात थी वो भूल गए, क्या दीदी को देखना है, वो किताब में डूब गए, दुनिया को भूल गए। ये है किताब के साथ आदमी का ताल्लुक। आप अपने को पाबंद कीजिए, मजबूर कीजिए कि किताब के साथ दोस्ती ज्यादा होगी। कलाम साहब ने कहा है 1,000 दोस्त से ज्यादा एक किताब है। तो अपने परिवार में अपने घर में किताब का रवाज दीजिए। किसी के शादी में जाएंगे, बर्थडे में जाएंगे, किसी इनॉग्रेशन में जाएंगे, दो किताब लेकर उनको दीजिए, ताकि किताब पढ़ने पढ़ाने का रिवाज ये पॉजिटिव में आ जाए। कलकत्ता में उल्टोडांगा जो मेन सिटी का एंट्रेंस है, वहां हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है। 36,000 बहुत पुराना बुक्स हम लोगों ने डिजिटाइजेशन किया है। जो बुक 200, 250, 150 साल पहले लिखी गई, वो बुक बाजार में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा ऑफिस, हमारा दफ्तर 36,000 किताब पुरानी, वो किताब डिजिटल करके रखा है, जिसका मन में आएगा वो किताब पढ़ेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, हमारा भाई जो चेयरमैन उनसे भी, MLA से भी और तमाम लोगों से कहूंगा कि कालिम्पोंग की भी एक हिस्ट्री है, आप इस हिस्ट्री को एक साथ कीजिए। दिस इज कालिम्पोंग। मैं आपसे वचन देता हूं, आप कालिम्पोंग के हिस्ट्री और ट्रेडिशन को अगर लिखेंगे तो हमारा दफ्तर फ्री आपको छाप करके दे देगा। छपाने की जिम्मेदारी, पब्लिशिंग की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन अपना ट्रेडिशन को बरकरार रखिए, अपना ट्रेडिशन को पकड़ कर रखिए। आप स्कूल के पक्ष से एक खत हमारा लाइब्रेरियन को लिखिए, 9, 10,
11, 12 चार श्रेणी चार क्लास के लिए सजेशन बुक हो, गाइड बुक हो, सहायता की बुक हो, आप लिखेंगे ये बुक हमको चाहिए। ये चिट्ठी जब हमको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट के जानिब से लाइब्रेरी के थ्रू स्कूल को देंगे ताकि स्कूल के बच्चे बच्चियां पढ़ करके एग्जामिनेशन में पास करें। ये तमाम सर्विस हम फ्री देना चाहते हैं। आप हमारे बच्चे ये मुल्क के फ्यूचर है, सिर्फ कालिम्पोंग के नहीं बंगाल के फ्यूचर है। अच्छे पढ़ने लिखने के बाद कहां जाएंगे बता नहीं सकते, लेकिन उनकी कमर को उनके पैर को ताकत पहुंचाइए पढ़ाई लिखाई से। हमको खुशी है कि आपके यहां इतने दूर से हम आए हैं, आपका सुंदर सुंदर चेहरा देख करके बात सुनकर के ताली देख करके हमको दिल में बहुत खुशी लग रही है। आप लोग शांत रहें और सब अच्छाई के साथ मुल्क को आगे बढ़ाएं। हमारी दीदी बहुत कुछ सोचती है वो आपके लिए, हम कोशिश करेंगे हमारे ऑफिस से डिपार्टमेंट से देंगे ताकि कलिम्पोंग हमारे दिल में जुबान में और बंगाल में जिंदा रहे। ये मैं चाहता हूं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कहा है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग पहचान है, अलग अलग चरित्र है। तो यहां यहां का जो माहौल है, सिचुएशन है, ये ऊपर वालों ने बहुत शांत बनाया। यहां आकर मालूम होता है कि हफ्ता 10 दिन रहूंगा तो वजन बढ़ जाएगा, इतना अच्छा इलाका यहां है। तो आपसे कोशिश गुजारिश होगी ये जो बुक फेयर है, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, सेक्रेटरी हैं, टीचर हैं, उनसे मेरी बहुत गुजारिश है कि स्कूल के बच्चों को आप खुद लाइए, वो खुद आए और अपनी जरूरत के मुताबिक किताब, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बंगला हो, कुछ हो, नेपाली हो। इसी तरीके पर ये जो हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है जो फेस्टिवल होता है उसको हम बच्चों को पैसा देते हैं, शादी कहीं जाता है तो उनके मन के मुताबिक ड्रेस देते हैं। अब किताब मेला लगा है, 10,000 रुपया उनके हाथ में दीजिए और बताइए तुम जाओ और किताब खरीद के लाओ, ये आपका काम है।